नमस्ते दोस्तों, HPSC की वेबसाइट पर HCS के एडमिट कार्ड 12-13 मई से आए हुए हैं। इसमें ये लिंक दे रखा है, जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट पेज खुलता है जिस पे लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जहाँ पे एप्लीकेंट ID और पासवर्ड भरना है और फिर डाउनलोड पर क्लिक करना है। लेकिन इसमें कुछ वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आया है, इससे यहाँ पे या तो ये गलती से एप्लीकेंट ID लिखा हुआ है। यहाँ पे हम जब एप्लीकेंट ID जो हमारे जो एप्लीकेशन हमने सबमिट किया था उसके ऊपर एप्लीकेंट ID हमारी लिखी हुई है, जब हम एप्लीकेंट ID इस पर डाल गए और पासवर्ड हमारे पास जब हमने एप्लीकेशन सबमिट की थी उस टाइम हमारे पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास आया था, वो पासवर्ड हमने इसमें डालना होता है। तो इसमें दो इशू हुई, एक तो यहाँ पे एप्लीकेंट ID लिखा हुआ है, अगर हम एप्लीकेंट ID डाल के और पासवर्ड डाल के भरते हैं तो एक्सेस डिनाइड आ जाता है, वो आगे जाता नहीं। तो इसमें हम जब यूज़र ID डाल के और पासवर्ड डाल के जो हमारे पास हमने जब एप्लीकेशन अपनी सबमिट की थी उस समय हमारे पास SMS से हमारे मोबाइल पे आया होगा और हमारे ईमेल पे भी आया, तो वो हमने इसमें डाल के वो हमने सबमिट करना है। जब हम एप्लीकेशन डाल के सबमिट करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये एरर आती है इसमें एक्सेस डिनाइड और हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता। और इसमें ये ऊपर लिखा हुआ था, ये दिस XML फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव एनी स्टाइल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट, द डॉक्यूमेंट्री इज शोन बिलो। तो ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है और किसी बच्चे का डाउनलोड नहीं हो पा रहा। तो इसमें दो इशू हैं, एक तो वो कि भाई कई बच्चों के पास उसका अपना जो यूज़र ID है और पासवर्ड गुम हो गया है किसी का, तो उनको उसके लिए फॉरगेट पासवर्ड का इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा इन्होंने। यहाँ पे वैसे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए था लेकिन इस पे है नहीं। और दूसरा है कि एप्लीकेंट ID भरने के बाद भी हम क्लिक करते हैं तो ये एरर पेज आता है और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता। इन दोनों समस्याओं का एक हल है, इसमें आपको कोई भी ना तो आपको यूज़र नेम की ज़रूरत है और ना ही आपको पासवर्ड की आवश्यकता है। इसमें आपको अपना जो एप्लीकेंट ID है, जो एप्लीकेशन ID बोलते हैं, जो आपने जो फॉर्म सबमिट किया था उस समय आपने जो प्रिंट आउट निकला होगा उसके ऊपर वो दिया हुआ है, वहाँ से अपना एप्लीकेशन ID और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये आपने डालना है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। दोस्तों ये वो लिंक है जो आपको पूरा कॉपी पेस्ट करके और ऊपर URL में अपने ब्राउज़र के URL में पेस्ट करना है। चाहे तो आप कंप्यूटर पे करोगे थोड़ा ही आसान रहेगा, वैसे मोबाइल पे भी ये काम करेगा। इसमें सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, जो यहाँ से देखो, यहाँ से कर्सर जो अभी है यहाँ से लेके और डेट ऑफ बर्थ यहाँ तक का चेंज करना है। इसमें करना क्या है आपको, पहले तो एप्लीकेशन ID यहाँ पे आपकी 7 अंकों की आपके जो आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की थी उस पे ऊपर 7 अंकों की एप्लीकेशन ID एप्लीकेंट ID दी हुई है और 9188 से स्टार्ट हो गए हैं, आपने वो 7 अंकों की वो ID डालनी है और पीछे आपके 8 अंकों की आपकी यहाँ से यहाँ तक 8 अंकों की, पहले 2 अंक आपके डेट के होंगे फिर 2 महीने के होंगे, जैसे 10 नवंबर के 10/11/1990 ऐसे करके आपने, जैसे पहले 7 अंक तो आपके एप्लीकेंट ID के और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 10 नवंबर 2011 और 1990 इतना करके .pdf
करके आप सीधा उस पर एंटर मारोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इसमें ना तो आपको यूज़र नेम की ज़रूरत है, ना आपको पासवर्ड की ज़रूरत है, और वो जो एरर आ रही है वो भी नहीं आएगी, इसमें सीधा डाउनलोड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो कॉपी पेस्ट कर लो, और जो लास्ट में देखो इसमें जो दे रखा है .pdf, इससे पहले का है, ऐप आईडी एंड यहाँ पे आपने अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो भरना है, वो 7 अंक का आपका एप्लीकेशन आईडी होगा, 9-1 से स्टार्ट है ये प्लेट, और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लें 10/11/1990 .pdf, और ये करके सीधा सबमिट कर दो। इसमें वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आगे भी इस तरह की तकनीकी सहायता मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।